वक्रतुंडाय गौरी तनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि श्रीगणाय वक्रतुंडाय गौरी तनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि। नमस्कार, मेरा नाम अभिनव सिन्हा है। आज मैं भारतीय संस्कृति पर दो शब्द कहने जा रहा हूँ। आज के समय में तकनीक बहुत बढ़ गई है, भारत भी तकनीक में तरक्की करता ही जा रहा है, लेकिन इन सब चीज़ों में हम अपनी संस्कृति, अपनी वेशभूषा, अपने खान पान को भूलते जा रहे हैं। हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और तकनीक को बढ़ाते जा रहे हैं। जब तक हमारी संस्कृति है तब तक ही हमारे जीवन की आस है, नहीं तो मानवता का विनाश है। भारत देश की जो संस्कृति थी, वेशभूषा थी, खान पान थी, आजकल आज के समय के बच्चे उस संस्कृति के बारे में कुछ भी नहीं जानते। की बात कुछ और है। हर मिट्टी के कण में इतिहास का शोर है, हर किले हर मकबरे की शान कुछ और है। जब मुगल काल की याद सताए तो ताजमहल सिकंदरा लाल किला की राह जाए, शाहजहां अकबर से जरूर मिलकर आए। कभी भी राजपूती खूनरी याद आवे तो राजस्थान जरूर पधारे, हर किलेरी ईट तने याद दिलावे, यहां कदी शूरवीर राजा थे विराजे, राणा थे विराजे। जो तमें सोमनाथ द्वारका बुलावे तो जो तमें खाकरा जलेबी ललचावे तो गुजरात जरूर आवे। ब्रिटिश राज का स्वाद चखना हो तो खड़े मत रहो, इंडिया गेट विक्टोरिया मेमोरियल की राह जाओ, अंग्रेजों से आजादी का जश्न मनाओ। चलो दक्षिण की ओर कदम बढ़ाएं, रामेश्वरम तिरुपति के दर्शन कराएं, चार मीनार गोलकोंडा भी देखाएं। यदि देश को पूरा जानना हो, यदि हर धरोहर हर विरासत को संजोना हो तो ये जीवन थोड़ा छोटा है। यदि जाना कठिन हो तो जानना कब कठिन था, यदि जाना कठिन हो तो जानना कब कठिन था, यदि समझाना कठिन हो तो समझना कब कठिन था। यदि अंगूठा चलाना ही है तो थोड़ा ज्ञान के लिए चला लो, यदि अपने विरासत पर गर्व करना ही है तो थोड़ा इतिहास को जान लो। हाँ जी बोलो, हरवंश आप बोलो। यस, हरी भरी हरियाली वाला, फल फूलों की डाली वाला, हट्टे कट्टे लोग यहाँ के, दूध दही का खाना, यह मेरा हरियाणा, यह मेरा हरियाणा। मर्द मुछैल यहाँ के छोरे, जिनके गले में काले डोरे, सिर पर पगड़ी पेंचो वाली, सीधा साधा वाणा, यह मेरा हरियाणा, यह मेरा हरियाणा। धन्यवाद। का त्यौहार हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। ये मुसल और ओपनिंग है जिसमें हमारी दादी माँ धान और बाजरा उगते थे। नमस्कार, मेरा नाम अनशा, मैं कक्षा आठवीं में पढ़ता हूँ। आज मैं आप सभी लोगों को ताजमहल के ऊपर कुछ पंक्तियाँ सुनाने जा रहा हूँ। ताजमहल दुनिया के सात अजूबे में से एक है। यह शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनवाया था। यह उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। इसे संगमरमर के साथ बनाया गया है। यह चटनीकूट सका सा यू सर छाज इसका हम चौड़ और गेहूँ ठीक कर सका सा यू सर पिड्डा इसके ऊपर हम सभी लोग बैठ सका सा यू सा मोगरी इसका हम सभी लोग कपड़े धो लठे दी चादर उते सलेटी रंग माहिया आओ समने आओ समने कोलो दी रुसकी ना लंग माहिया। नमस्कार दोस्तों, मैं मान्या, आज मैं आपको अपनी हरियाणवी संस्कृति के बारे में कुछ बताऊंगी। पहले लोग मिक्सी में नहीं कुंडी सोडा में मसाला पीसते थे और पीतल के बर्तनों में काला बनाते थे।
क्योंकि यह हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। हमें अपनी हरियाणी संस्कृति को कभी भूलना नहीं चाहिए। हमारी संस्कृति हमारी विरासत। धन्यवाद। आज मैं आपको ब्रह्म सरोवर के बारे में बताने वाला हूँ। ब्रह्म सरोवर हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर है। हिंदू लोग इसे पवित्र मानते हैं। सूर्य ग्रहण के मौके पर यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। लाखों लोग इसमें स्नान करते हैं। ये हमें महाभारत से पता चला है। थैंक यू। इसका प्रयोग अनाज और मिट्टी कूटने के लिए किया जाता था। जैसे बाजरे को कूटकर उसकी खिचड़ी बनाई जाती थी और वह बहुत स्वादिष्ट। जय हिंद, जय भारत।